हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कीबोर्ड और माउस को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप कीबोर्ड की मदद से गूगल सर्च में टाइप करके आप किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप जब माउस का यूज करेंगे तो आपको माउस की मदद से आप जो सर्च करेंगे उसमें कीबोर्ड की मदद के इसके साथ साथ आप माउस के यूज करके वो किसी भी साइट में जा सकते हैं। तो आप किस तरह से जाएंगे ये मैं आपको आज के इस वीडियो में सब जैसे कि बताऊंगा। आपको कभी रिज्यूम बनाने की ज़रूरत होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे तैयार करना होता है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, और आप अगर उसे मोबाइल में करते हैं तो वह सही समय पे नहीं हो पाता है और आपको उसमें मोबाइल में करने में बहुत सारा समय लग जाता है। और अभी कोई डॉक्यूमेंट भी जब भी बनाते हैं तो आपको मोबाइल में बनाने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको एक कंप्यूटर में मदद मिल जाती है और आप रिज्यूम वगैरह बनवाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से बनाएं तो आपके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये मतलब अभी बहुत बहुत आसान अपने होता है। कीबोर्ड को और माउस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चाहे रिज्यूम हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी टाइपिंग हो, तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और एक कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर जैसे ही काम करेंगे। तो जो आपकी मोबाइल की डिस्प्ले है वो कंप्यूटर का काम करेगी, और साथ ही आप किसी भी डाटा को बहुत ही आसानी से टाइप कर पाएंगे, चाहे वो गूगल में कोई भी सर्च हो या कोई भी इंटरनेट पे आप पे कोई डाटा सर्च करना हो उसको कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने कीबोर्ड और माउस को यहाँ मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, और आपको मैं मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और ज़्यादा से चलिए वीडियो ज़्यादा को से स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर अपने कीबोर्ड और माउस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो गूगल सर्च में आपने टाइप करके जो भी डाटा सर्च कर रखा है उसे माउस की मदद से किस तरह से आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। साथ ही आप अपने माउस की मदद से अपने मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन को कैसे खोलेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये सब आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो गूगल सर्च में आपने टाइप करके जो भी डाटा सर्च कर रखा है उसे माउस की मदद से किस तरह से आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। साथ ही आप अपने माउस की मदद से अपने मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन को कैसे खोलेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये सब आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि एक आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होगी और दूसरा आपको यहाँ पर एक माउस दिख रहा है, तो माउस की जरूरत होगी। और साथ में यहाँ पर आपको एक जो डिवाइस दिख रही है ये OTG बोलते हैं इसे, कुछ इस तरह से दिखती है, आपको अलग अलग तरह से मिल जाएगी। यहाँ पर साइज़ अलग अलग अवेलेबल होते हैं, तो जैसे भी आप क्वालिटी का ले तो एक OTG आपको ले लेनी है। और साथ में आपका जो कीबोर्ड और माउस है तो USB टाइप ले लीजिए, और आप इसको यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये USB टाइप जो आपका कीबोर्ड है माउस है उसको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, अभी इसे नीचे रख देता हूँ। और यहाँ पर जो आपका मोबाइल है तो आपको इसमें ही मैं आपको करके दिखाऊंगा ये आप किस तरह से आपको जो भी डाटा है या कोई भी है रिज्यूम है डॉक्यूमेंट आराम से बना सकते हैं टाइप करके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको OTG बताई है यहाँ पर, तो आपको OTG यहाँ पर ले लेना है। और OTG लेने के बाद आपको अभी एक है, अगर आप दोनों एक साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मल्टी USB पोर्ट ले लेना है यहाँ पर डिवाइस, तो उसमें आप एक साथ दो कर पाएंगे। तो मैं आपको सिंगल सिंगल करके दिखाऊंगा अभी, तो आप किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है और साथ ही ये, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे लगा लीजिए। तो मैं इसको इधर घुमा के इस तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपको इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेना है आपस में। उसके बाद आपके मोबाइल में आपको इस तरह से ले लेना है, और जहाँ पर आपका यहाँ पर पोर्ट दे रखा है इसमें आपको लगा देना है। तो ये यहाँ पर नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है आपको, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। इसमें लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, और उसके लिए आपके यहाँ पर जैसे कि मेरे पास जो मोबाइल है उसमें आपको ऊपर से भी हर मोबाइल में मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन कॉर्नर से, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग का ऑप्शन ऊपरी कर रखा है, तो मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में आ जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो कि आपकी OTG आपने लगाई है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट तब होगी जब आप अपने मोबाइल के अंदर OTG का ऑप्शन ऑन कर देंगे। तो उसे अभी ऑफ होगा, तो मैं यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको चले जाना है, या एडवांस सेटिंग करके ऑप्शन आएगा उसमें जाना है। और अगर आप वीवो वगैरह का फ़ोन करते हैं तो आपको वहाँ सेटिंग में खोलते ही यहाँ पर लगभग OTG का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाता है। अगर आप ओप्पो वगैरह यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर अंदर के साइड में मिल जाएगा, जो कि एडिशनल सेटिंग में या एडवांस सेटिंग में मिलेगा।
तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। तो जैसे कि मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ फोकस आ रहा है, तो आपको ये ही OTG का ऑप्शन मिलेगा, तो कनेक्शन का, तो OTG कनेक्शन आपको ओपन कर देना है। जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर एक ट्विन बज जाएगी या ऊपर सैम्पल आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, उसको नीचे कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है फिजिकल कीबोर्ड, तो इस पर मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपको ऑफ मिलेगा। तो डिस्प्ले वर्चुअल कीबोर्ड तो यहाँ पर है, तो इसको आपको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर आप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से आपको इसे ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद आप यहाँ को बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो आप किसी भी डाटा को अपने मोबाइल में कैसे टाइप करेंगे या सर्च करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया आपको गूगल सर्च बार में आपको मैं सर्च करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लेना है। अगर वाईफाई है तो आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पर अपने मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद आपको उसे कर देना है, और यहाँ पर गूगल सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास गूगल सर्च बार का ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली किसी ब्राउजर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोम दिया है तो क्रोम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट गूगल सर्च बार में आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो आप जो आपका यहाँ पर पोर्ट्रेट लॉक है, इसको आपको इसे ग्रीन आ रहा है तो अभी इसे हटा देना है, क्योंकि इसे जब रहेगा तो आपकी डिस्प्ले ऑफ जब करेंगे तो हम मोबाइल को आपको इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से करने के बाद आपका ये लगभग मोड दूसरा आ जाएगा, जैसे कि अभी कंप्यूटर मोड में आ जाएगा, ये डेस्कटॉप मोड बोलते हैं इसे। तो आपको इस तरह से कर लेना है। और तो अभी मैं कीबोर्ड से टाइप करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया है इसको। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं गाना सर्च करता हूँ या आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ गया है, तो आप इसे यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिखा रहा है, मैं यहाँ पर कीबोर्ड का ही यूज कर रहा हूँ, और इसको जो भी गाने हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर सर्च कर लोगे। तो इस तरह से आप किसी भी गाने को सर्च कर सकते हैं आसानी से, तो आपको यहाँ पर तरह तरह के गाने वगैरह मिल जाएंगे। तो आप इसे अपने कंप्यूटर की तरह ही आप अपने इसे ऑपरेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको इस तरह से करें, और माउस का भी यूज़ करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको मैं कीबोर्ड का यूज़ दिखा देता हूँ। तो आप इसे इस तरह से ही यूज कर सकते हैं। तो आपका जो कीबोर्ड का जो भी फंक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा आपका जो कीबोर्ड इससे कनेक्ट हुआ, तो उसको जैसे नंबर लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जल जाएगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका जो कीबोर्ड है वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। तो आपको नंबर लॉक का ऑप्शन खोल लेना है, और इसके बाद आपके जो नंबर लॉक है वो भी काम करेंगे। तो जैसे आपको मैं सब कुछ टाइप करके यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर चले जाना है सर्च के बाद में, कीबोर्ड का यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके सर्च के ऑप्शन पर आप आ जाएंगे फिर से, तो इस तरह से, तो इस तरह से आपको ऊपर की ओर आ जाना है। तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर टाइप के ऑप्शन पे आ गए हैं कीबोर्ड का, एक कर्सर का यूज करके। अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी आपको जैसे कि यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं एक साइड का 1377, तो ऐसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो इसको आपको सर्च कर देना है और एंटर कर देना है। जो आपका जो कीबोर्ड है इसे आपको बैक करके रखना है, इसको आपको नहीं करना है, तो इसको एंटर कर देंगे आप, उसके बाद ये सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर नंबर लॉक का यूज करके यहाँ पर साइट को सर्च किया है। तो आपको इसी तरह से ही आपको नीचे ऊपर जा सकते हैं, और किसी को आपको ओपन भी करना है साइट को तो आप डायरेक्टली ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको उस पर एंटर कर देना है, एंटर करने के बाद तो आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे, और इसके बाद जो आपकी साइट है वो यहाँ पर खुल जाएगी। तो इसी तरह से आप साइट को पूरी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे, और माउस के से कैसे देखेंगे ये आपको मैं सब अभी डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी आप कीबोर्ड की मदद से आप किस तरह से किसी भी साइट पर जा सकते हैं, और किस तरह से आप टाइप करके उसे अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। अब दूसरे ऑप्शन पे हम चलते हैं कि आप किस तरह से अपने मैटर या रिज्यूम वगैरह को किस तरह से टाइप करेंगे। तो एग्जांपल तौर पे मैं आपको यहाँ पर नोट्स में करके दिखाऊंगा। जो भी आपका नोट्स का ऑप्शन दिया है या जिसमें डॉक्यूमेंट्स में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर आपको यहाँ पर ऐसे एंटर कर लेना है, जो भी आपके फ़ोन में अवेलेबल होगा नोट्स वहाँ पर बना सकते हैं, चाहे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो या MS वर्ड हो, कुछ भी हो उसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे टाइटल मांग रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ कि बहुत जैसे रिज्यूम लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको नीचे जो भी आपका करना है, तो आपको जैसे यहाँ पर नाम देना है, तो आपका जो भी नाम है तो आपको यहाँ पर नाम देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप टाइप करते जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है, मैं यहाँ पर XYZ एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, उसके बाद एंटर कर दिया। नेम के बाद आपका जो भी एड्रेस है आप एड्रेस दे सकते हैं उसमें आप, तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है आपको दे देना है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस के बाद आपको अपने बारे में लिखना है, और इसमें आपको जो भी एजुकेशन है तो आपकी यहाँ पर एजुकेशन आपको टाइप कर देनी। तो यहाँ पर
आपको एजुकेशन जो भी है वो आपको डाल देनी है, उसके बाद आपको अपना पर्सनल इन्फो देना है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर आपका जो नेम वगैरह है, एड्रेस है, तो सब आपको एक बार डिटेल में देना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप दे, तो आपको अगर आपका रिज्यूम बनाना नहीं आता तो आपको इसका फॉर्मेट आपको गूगल सर्च में भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके इसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉबीज़ वगैरह इस तरह से जो चाहें आप इसे टाइप कर सकते हैं अपने अनुसार, और अपना रिज्यूम यहाँ नॉर्मली बना पाएंगे। आपको कीबोर्ड का यहाँ पर बता दिया, अब मैं आपको माउस का यूज़ करके दिखाऊंगा, तो आप माउस का यूज़ करके कैसे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन वगैरह या जो अभी आपने सर्च किया उसको कैसे करके चला सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं सब दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो कीबोर्ड को अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के लिए जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कीबोर्ड की जो कनेक्शन है यहाँ पर हटा दिया, और अभी यहाँ पर आपको यूएसबी जो आपका माउस का दिया है तो आपको उसको इसमें लगा देना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो माउस है वो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको माउस की लाइट जल जाएगी, नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब देखिए आपको आपको डिस्प्ले पे अपने मोबाइल की कसर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और मोबाइल को रखने के बाद यहाँ पर जो आपका कीबोर्ड है और माउस है, तो अभी मैंने कीबोर्ड को हटा दिया तो माउस का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आपको मोबाइल के डिस्प्ले पे यहाँ पर कसर दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो मैं बार बार घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी हम इस एप्लीकेशन में अभी हमारा रिज्यूम टाइप कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी यहाँ बैक हो जाएंगे। तो यहाँ बैक बटन जो है आपके मोबाइल में होगा, तो आपको उस पर यहाँ पर बैक में दबाना है और इस तरह से ये मांगने लगेगा, तो आपको यस कर देना है, कन्फर्म यहाँ से बैक चले जाना है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से माउस का यूज करके आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से बैक जाना है और इस एप्लीकेशन से आपको डायरेक्टली बाहर आ जाना है। तो इस तरह से ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको कुछ और दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे आपको डिस्प्ले को यहाँ पर मूव करना है पेज को इधर उधर, तो ऐसे आपको थोड़ा सा क्लिक दबाए रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दबाए रख रहा हूँ, और आपको यहाँ पर पेज इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये आपको कसर दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें प्ले स्टोर को आपको यहाँ पर खोलता हूँ, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा था आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाने के लिए नोट्स। तो जैसे ही यहाँ बैक जाएंगे और हम सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कसर दिखाई दे रहा है, तो मैंने नोट्स किया था, जैसे नोट्स में क्लिक करता हूँ तो नोट्स पर ये खुल आ गया। तो आपको यहाँ पर जो मैंने अभी डाउनलोड किया था तो यहाँ पर ये ओपन आ रहा है, तो मैंने इसी नोट्स के जरिए आपको यहाँ पर बताया था आप किस तरह से कोई भी अपना यहाँ रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं इसमें। अगर एग्जाम्पल तो अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन है यहाँ माउस के जरिए यहाँ चाहते हैं कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है अभी, हाँ हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके जरिए क्लिक कर देना है। अलग जगह जाएंगे तो यहाँ पर कर्सर का पॉइंट आएगा, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल पर हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने मैंने एप्लीकेशन का यूज़ दिखाया। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दूसरी भी कोई एप्लीकेशन दिखा दे रहा हूँ जहाँ यूज करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ, अभी जैसे सेटिंग का दिखाया मैंने, अभी सेटिंग पर क्लिक करते हैं इसे, तो यहाँ पर आप सेटिंग का एप्लीकेशन भी यहाँ पर खोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आपके मोबाइल की डिस्प्ले काम नहीं करती, तो आप इसे माउस के जरिए भी आप इसका यूज़ करके आराम से इसे चला सकते हैं, आप डाउन भी कर सकते हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम सर्च भी करके देख लेते हैं, सर्च में मैं क्लिक करता हूँ तो जो अभी मैंने सर्च किया था या जो भी है कुछ अलग करके हम दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉन्ग है तो सॉन्ग यहाँ पर सर्च कर लिया है, तो अगर आप सॉन्ग कोई जो साइट जानते हैं तो जैसे कि मैं इस साइट से डाउनलोड करता हूँ तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो इस साइट में हम कैसे जा सकते हैं, नीचे यहाँ पर साइट का नाम दिखाई दे रहा है, तो आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर इसकी मदद से जा सकते हैं, तो आपको हैंड का आइकन आ जाएगा, आपको इसके क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अब साइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आप जैसे कि यहाँ पर गाने के यहाँ पर मूवीज़ के जो गाने वगैरह हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसे आप कैसे कोई सी गाने को डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर ऐसे गाने वगैरह भी आ रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आप माउस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा, तो आप चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जैसे कि मूवी है उस पर क्लिक कर दे, यहाँ पर जो भी आप और आप यहाँ पर जो गाने की लिस्ट है उसको भी यहाँ पर कोई भी गाना वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसे आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऐसे ऑप्शन आ रहा है तो एक बार बैक कर देना है, आप डायरेक्ट गाने पर होंगे तो इसे हटा देना है, उसको आप क्लिक करना है, डायरेक्ट गाने पर आप आ जाएंगे। तो इस तरह से आप गाना वगैरह अपना डाउनलोड कर सकते हैं और आपको गाना लग जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर टाइप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सब डिस्प्ले, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर अपने किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, किसी भी साइट पे आप उसके जरिए कैसे जा सकते हैं, और आप कीबोर्ड से कैसे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे साइड में दिया है तो उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा। अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो या किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर कोशिश करूँगा था आपको कोई भी दिक्कत ना आए जवाब देने की। तो चलिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।